गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों आज हम राजधनवार के नौलखा डैम के पास आ चुके हैं, तो चलिए मैं यहां का मुआयना कराता हूं। लेकिन चलिए मैं फिलहाल एक चचा से मिलते हैं और चचा से बात करते हैं कि ये नौलखा डैम का नाम नौलखा क्यों पड़ा और वह कब बना है और किस तरह बना है। चलिए तो चचा, हम अपने आप लोग का जो गांव है, आपके यहाँ के निवासी हैं जी। हाँ, तो मैं आपका गांव में आया हुआ, तो ये बताइए कि जो नौलखा डैम जो पड़ा ना, वो कैसे पड़ा? तो नौलखा डैम इसलिए पड़ा कि ये वो ठेकेदार ने आया 9 लाख में ठेका लिया। अच्छा। 9 लाख में ठेका लेने के बाद वो पूरा पैसा नहीं उसको सक्षम हो पाया। अच्छा। वो अधूरा रह करके चला गया, उस दिन से नाम रख गया नौलखा डैम। फिर बीच में कोई ठेकेदार आया और ठेकेदार आया कुछ दिन के बाद, तो वो पूरा बना गया, इसीलिए नाम रख गया नौलखा। लेकिन चाचा एक बात बताइए, तो डैम का तरह तो नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मली वो जो हमारा पोखरा होता है उस तरह दिख रहा है? नहीं, ये डैम है, अभी भी पानी इसमें 120 फीट है। 120 फीट गहराई है? हाँ, हम अपने खुद नापे हैं, टीम जा करके पूरा नापे हैं। अभी भी 120 फीट है और बरसात के दिन आता है तो लगभग 200 फीट घुस जाता है, मतलब पूरा। और जिस जगह पर वो है पानी, मछली का जो पालन दिया हुआ है, हाँ, उस जगह पूरा नदी नाला है। अच्छा, एकदम ऐसे है पूरा, मतलब ये जो डैम बनाया गया है वो नदी को बांध कर ही बनाया गया? हाँ, नदी का बांध कर। वो नदी कभी जिंदगी में सूखता नहीं था, सारे जगह पर सूख जाता था, लेकिन ये नदी नहीं कभी सूखता। अच्छा, तो ये जो बीच में जो मछली पालन का जो रखा गया है बनाने का, क्या यहाँ पर मछली पालन होता है क्या? मछली पालन होता था। अच्छा, मछली सब निकल गया, भाग गया बरसात में। बरसात में भाग जाता है? भागेगा नहीं, उछलेगा तो भागेगा नहीं। मछली जब उस पर आ जाता है, पानी भर जाता है, तो मछली निकल गया। ओ, मतलब वहाँ से। हाँ, उसके बाद में फिर गायब हो जाता है? गायब क्या हो जाता है, डैम के अंदर में एक एक मछली कम से कम लगभग, अच्छा आपको मैंने 30-40 किलो 45 किलो का मछली यहाँ पर मिलती है, तो लोग मार के, मतलब इसमें 9 आदमी गुजर गया, 9 आदमी डूब के मर गया। कोई ना, कोई मैंने बीच में गया तो आ नहीं पाया, कोई साला गोता मारा तो वहीं घुस गया, कोई मैंने अकेला को औरत गया तो वहाँ जो है सो चला गया। ठीक है चाचा, ये सब जानकारी दिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपका गांव में आया हुआ था तो मुझे पता नहीं था, कि मैं नाम सुना था कि नौलखा डैम कैसा है, हाँ किस तरह है, कहाँ है, तो आए थे तो घूम लिए, चलिए देख लेते हैं अब। तो दोस्तों ये नौलखा डैम की जानकारियाँ थी जो चाचा के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ, और ये नौलखा डैम राजनवा क्षेत्र में पड़ता है, जो बहुत पुराना डैम है और बहुत सस्ते बजट में हो उस समय बनाया गया था, लगभग 9 लाख रुपया में। तो चलिए इसका थोड़ा सा चार मुआयना करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद हमारे दोस्तों को सलाम। और दोस्तों मैं बता दूँ कि हमारे इस तरह के और नए नए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इस डैम से जो पानी सप्लाई किया जाएगा इस अगल बगल गांव में या क्षेत्र में या राजधनवार में, तो देख रहे हैं जो टैंकी, चलिए उस टैंकी पर चढ़ते हैं और वहां से आपको पूरा डैम का नज़ारा को दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए। तो फिलहाल हम पानी टैंकी के ऊपर हैं और चलिए मैं वहां से आपको पूरा डैम का नज़ारा को दिखाते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। अब अगर तुम